में इस जगह पर से आगमन हुआ और एक ऐतिहासिक धारा पर हम एक नया नई बात नई सोच जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता भारत स्वाभिमान के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले राजीव दीक्षित जी के माध्यम से आपसे संवाद करने की कोशिश करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि अपना आत्म उत्थान करें और इस राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ये था इस स्थल का आपने मैं अतिथि महोदय श्री राजीव दीक्षित जी भाई दया सागर जी हमारे पतंजलि योग समिति बेमेतरा के अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि आप आए और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभ आरंभ करें। अतिथि महोदय राजीव दीक्षित जी आपसे अनुरोध है कि आप माँ भारत माता के शैल चित्र पर माल्यार्पण करें। सुशीला तिवारी नरेश तिवारी अरे आइए एक संकल्प लें। आप सभी कहें इदं राष्ट्राय इदं मम। मैं कहूंगा आप सभी से ओम राष्ट्राय स्वाहा। आप कहें इदं राष्ट्राय इदं मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। अतिथि महोदयों से मेरे निवेदन आप अपने स्थान ग्रहण करें। आइए हम अतिथि परंपरा का निरोहन करें और उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री दया सागर जी आपसे अनुरोध है कि आप स्वागत की कड़ी को नहीं विभोरण से हम नगरवासियों को लाभान्वित करें। राजीव दीक्षित जी आज की सभा में उपस्थित बेमेतरा के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं सम्माननीय माताओं बहनों मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति की जो बेमेतरा शाखा है इकाई है उसका आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई और मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में कुछ बात कहने आया हूँ। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने
भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। सारे भारत देश में ये अभियान पिछले करीब पौने दो वर्षों से चल रहा है। 5 जनवरी 2009 को ये अभियान प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत हुई हरिद्वार से। अब धीरे धीरे भारत के करीब 600 जिलों तक हमारा ये आंदोलन पहुंच गया। इस समय भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में 2,50,000 योग शिक्षक सारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले 2 वर्षों में 11,00,000 योग शिक्षक इस आंदोलन में और आने वाले हैं। अगले 2 वर्षों बाद हमारे पास 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे और उसके बाद हम इस अभियान को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का उद्देश्य क्या है। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के हरेक नागरिक को, हरेक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। हमारे भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं उन सभी को दूर करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है भारत देश की जो व्यवस्था में बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करना, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसी बहुत सारी भारत में समस्याएं हैं, उनको भी हम हल करना चाहते हैं। एक तरफ भारत देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है और दूसरी तरफ अपने देश की जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना है। आपके मन में सवाल आएगा कि हर भारतवासी को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करें। इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन तीनों के बारे में बताना चाहते हैं और इन तीनों की मदद से हर भारतवासी स्वस्थ हो सकता है। योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से हम हर भारतवासी का इलाज कर सकते हैं। तो हम गांव-गांव जाकर लोगों को यही सिखा रहे हैं। सारे भारत देश में हर दिन हमारी 1,00,000 योग कक्षाएं लगती हैं और इन 1,00,000 योग कक्षाओं में 2,50,000 योग शिक्षक हर दिन लोगों को योग प्राणायाम सिखाते हैं और करोड़ों भारतवासी इस योग प्राणायाम को सीखते हैं और अपने जीवन में उससे बहुत सारा लाभ उनको मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भारत के अनेक अनेक स्थानों पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे भारतवासी अपनी अपनी बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। एक आस्था चैनल भी शुरू किया है जो सुबह सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक परम पूजनीय स्वामी जी के माध्यम से सारे देश को योग प्राणायाम सिखाता है, आस्था चैनल। और इस पर बहुत सारे योग प्राणायाम के शिविरों का कार्यक्रम आता रहता है। आपसे भी मैं यही कहने आया हूँ कि आप भी अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का उपयोग करें और आपकी हर बीमारी के लिए उसका समाधान उसमें मिलेगा। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि योग प्राणायाम से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। हमारे शरीर की हर बीमारी इससे ठीक होती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती वो योग प्राणायाम से ठीक होती है। जैसे एक बहुत खराब बीमारी है, उसका नाम है डायबिटीज। ये डायबिटीज नाम की बीमारी, शुगर की बीमारी एलोपैथी चिकित्सा में, अंग्रेजी चिकित्सा में कभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह से एक बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्त दबाव, ये बीमारी भी एलोपैथी चिकित्सा में ठीक नहीं होती, लेकिन योग, प्राणायाम और आयुर्वेद से ये भी ठीक होती है।
लो ब्लड प्रेशर एक और बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग प्राणायाम से बहुत जल्दी ठीक होती है, आयुर्वेद से और जल्दी ठीक होती है। तो आप सभी अपने जीवन में योग प्राणायाम और आयुर्वेद का अगर पालन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी। आपके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा प्राणायाम करना है और कौन सी बीमारी के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवा लेनी है। यही आज मैं आपको बताने आया हूँ। आप अपने जेब से अगर पेन निकाल लें, कागज निकाल लें, डायरी निकाल लें और लिख लें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका हम अपने योग प्राणायाम और आयुर्वेद से कैसे उपचार कर सकते हैं। हर गंभीर बीमारी उसका इलाज हम अपने घर में ही कर सकते हैं। हमारे भारत में करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं इस समय। 120 करोड़ की हमारी आबादी है और 100 करोड़ भारतवासी बीमार हैं। 5 करोड़ 70 लाख भारतवासियों को डायबिटीज का रोग है, 4 करोड़ 80 लाख भारतवासियों को हृदय रोग है, करीब 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है, 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है और 40 करोड़ माताएं हमारे देश में हैं जिनको खून की कमी का रोग है, एनीमिया। अपने देश में बीमार लोग बहुत हैं। और दूसरी समस्या ये है कि बीमारियों का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और भारत में जो गरीब लोग हैं वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इस बीमारियों में बहुत सारे लोग बिना इलाज के ही मर जाते हैं। आजकल भारत में बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है और महंगे इलाज के चक्कर में ज्यादा लोग अपना इलाज नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचा है कि हर भारतवासी को कुछ ऐसा इलाज बताया जाए जो बिना पैसे के आसानी से हो सके। तो मैं आज आपको बहुत सारी बीमारियों के ऐसे ही इलाज बताऊंगा जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो और बीमारी भी ठीक हो। मैं शुरू करता हूँ डायबिटीज से। डायबिटीज सबसे खराब रोग है जो इस समय भारत में फैल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा 5 करोड़ 70 लाख लोगों को ये रोग हो चुका है और 3 करोड़ को होने वाला है। और ये रोग में हमारे अंग्रेजी एलोपैथी में एक ही दवा है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से कोई लेता है, कोई गोली के माध्यम से, लेकिन ये इंसुलिन है ना, ये बहुत खराब है। ये क्या करती है, लगातार अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन लेता रहे तो दोनों उसके गुर्दे खराब हो जाते, लीवर खराब हो जाते। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन ले तो उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। लगातार इंसुलिन कोई लेगा तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधापन आ जाता है, नपुंसकता आ जाती है, इम्पोटेंसी। तो इंसुलिन ये अच्छी नहीं है, आप इसे मत लेना कभी। अगर आपको कभी डायबिटीज हो, शुगर की बीमारी हो तो इंसुलिन मत लें। और अगर आपके परिचय में कोई व्यक्ति है उसको भी मत लें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को इंसुलिन देने की आदत आपने डाल दी बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंसुलिन शरीर को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। तब फिर आप बोलोगे फिर क्या करें, तो डायबिटीज का अपना भारत में जो आयुर्वेद में इलाज है और प्राणायाम से जो चिकित्सा है उसका उपयोग करें। प्राणायाम में क्या करें, जिनको डायबिटीज है
शुगर की बीमारी है, उनको तीन प्राणायाम करें। पहला प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है, आराम से ऐसे बैठना सुखासन में, आलती पालती मार के, और आपकी पहली उंगली अंगूठे के साथ ऐसे स्पर्श कर, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। और ऐसे बैठकर गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना, लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना, इसी को कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और ये 5 मिनट करना। मैं एक बार करके बताता हूं, आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस ऐसे करते रहे 5 मिनट के लिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम हर उस व्यक्ति को करना है जिसको शुगर की और डायबिटीज की बीमारी है। दूसरा प्राणायाम करना है, उसको कहते हैं कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, हमारी सांस को झटके से बाहर निकालना ताकत के साथ, और जब सांस बाहर निकलेगी तो पेट अंदर जाएगा। सांस बाहर निकालने पे ही ध्यान देना, लेने के लिए चिंता नहीं करनी, वो शरीर अपने आप ले लेगा, बस निकालने पे ध्यान देना। कैसे होता है एक बार करके दिखाता हूं, आप सब कर पाएंगे इसको। ये है कपालभाति, इसको लगातार आधा घंटे तक करना। 5 मिनट करना है भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति। और तीसरा और आखिरी प्राणायाम जो करना है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है, आपकी जो दाहिनी नाक है इसको बंद कर देंगे और बाईं नाक से पूरी सांस को निकाल देंगे, फिर बाईं नाक से सांस भरेंगे, दाहिनी नाक से उसे निकालेंगे, फिर दाहिने नाक से सांस भरेंगे, बाईं नाक से निकालेंगे, फिर बाईं से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे। बस यही करना, एक बार मैं करके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लगातार आधा घंटे कर सकते हैं। तो 5 मिनट करना भस्त्रिका, आधा घंटे करना कपालभाति, आधा घंटे करना अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम हम करेंगे नियमित हर दिन। तो इससे डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। कोई भी लगातार 1 से 1.5 महीने ये कर लेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ में आप चाहें तो एक आयुर्वेद की दवा भी खा सकते हैं डायबिटीज के, और वो दवा आप अपने घर में ही बना लो। घर में हमारे आयुर्वेद की बहुत सारी दवाएं हैं, उनको मिलाकर ये दवा बन जाएगी। कैसे बनेगी, इसका आप सूत्र लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। 100 ग्राम लेना मेथी का दाना, मेथी दाना सबके घर में है, वो 100 ग्राम लेना, उसको धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लेना। मेथी दाने को धूप में सुखाएं 2-3 दिन, फिर उसको पत्थर में पीस ले। तो ये एक दवा है। फिर इसमें एक दूसरी दवा मिलानी है, तेज पत्ता, 100 ग्राम तेज पत्ता। हमारे घर में है तेज पत्ता, हम इसको मसाले में डालते हैं, तो 100 ग्राम तेज पत्ता, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीस ले। फिर तीसरी दवा है जामुन की गुठली,
जामुन का बीज, जामुन का जो फल होता है उसको खाने के बाद अंदर का जो बीज निकलता है उसको धूप में सुखा लेंगे और धूप में सुखा के उसको पत्थर में पीस के पाउडर बनाना और इसकी मात्रा होगी 150 ग्राम 150 ग्राम। 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, 150 ग्राम जामुन का बीज। और चौथी एक दवा है वो है बेल पत्र। शंकर भगवान को जो अर्पित करते हैं बेल पत्र का पत्ता वो लेना 250 ग्राम 250 ग्राम और उसको धूप में सुखाकर उसको भी पत्थर में पीस के पाउडर बनाना। तो 250 ग्राम बेल पत्र पाउडर, 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ता पाउडर, ये चारों को पीस कर आपस में मिला देना। अब यही दवा है डायबिटीज की। इसको खाएंगे कैसे? एक चम्मच ये दवा सवेरे गर्म पानी के साथ लेना नाश्ता करने से 1 घंटे पहले, और एक चम्मच दवा शाम को लेना खाना खाने से 1 घंटे पहले। दिन में 2 बार ये दवा लेनी है, सुबह शाम, नाश्ते से 1 घंटे पहले सुबह और शाम को खाने से 1 घंटे पहले, और हर बार गर्म पानी से लेना। ये दवा अगर आप 1.5-2 महीने खाएंगे उतने में ही आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी दवा है, हजारों लाखों लोगों को इस दवा ने अच्छे से ठीक कर दिया। तो प्राणायाम करना है, 3 प्राणायाम, पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 1/2 घंटे, अनुलोम विलोम 1/2 घंटे और इसके साथ में ये वाली दवा। इससे शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है, 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाती है। और जब आपकी शुगर ठीक हो जाए एक बार जांच करा लेना, ब्लड टेस्ट करा लेना, तो डॉक्टर अगर ऐसा बोलता है कि शुगर ठीक हो गई तो ये दवा तो बंद कर देना, फिर दवा ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राणायाम को चालू रखना, प्राणायाम बंद नहीं करना। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर आपने प्राणायाम हमेशा करते रहे आप तो दूसरी बार कभी भी आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। इसका फायदा है, दवा बीमारी को ठीक कर देगी, लेकिन प्राणायाम से गारंटी इस बात की है कि दोबारा कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। और इसमें खर्चा क्या आएगा? प्राणायाम करने में तो कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, और ये जो दवा मैंने बताई है ये 25 रुपए में बन जाएगी। अगर आप 100 ग्राम मेथी दाना खरीदेंगे 6-7 रुपए में आएगा, 100 ग्राम तेज पत्ता खरीदेंगे 10-12 रुपए का आएगा, 100 ग्राम अगर जामुन के बीज को भी खरीदेंगे 3-4 रुपए में मिल जाता है, और 250 ग्राम बेल पत्र का पत्ता ये तो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो इस दवा को बनाने में 25 रुपए खर्च होता है बस, और उतने खर्चे में जितनी दवा बनेगी वो 3 महीने चलेगी, और 3 महीने की दवा में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत सस्ता इलाज है डायबिटीज का, शुगर का। अब इसमें आप ये पूछोगे कि इसका परहेज क्या है? इसमें एक ही परहेज है, जिनको ये डायबिटीज की बीमारी है वो लोगों को एक चीज हमेशा नहीं खानी, उसका नाम है चीनी। चीनी का परहेज, चीनी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि चीनी बहुत खतरनाक जहर है और ये कभी भी डायबिटीज को ठीक नहीं होने देता। ये जो चीनी बनती है ना, इसमें सबसे खराब एक जहर मिलाया जाता है, उसका नाम है सल्फर। सल्फर को हिंदी में कहते हैं गंधक, और ये गंधक वही है जिससे दिवाली के पटाखे बनते हैं। हमारे घरों में दिवाली के समय जो पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, अनार चलाते हैं,
या बम चलाते हैं वो सभी गन्ना से बनते हैं और वही गन्ना से चीनी बनती है। तो जब हम चीनी खाते हैं तो ये गंधक हमारे शरीर में चला जाता है चीनी के साथ। और ये गंधक है ना, ये ऐसा खराब केमिकल है कि शरीर में चला तो जाता है, ये बाहर नहीं निकलता शरीर से। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई गलत चीज हमने खा लिया या पी लिया तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगी, या तो पेशाब के रास्ते निकलेगी या मल द्वार से निकल जाएगी, टट्टी के साथ निकल जाएगी, या कभी कभी पसीने के साथ गंदगी निकल जाती है। कई बार हमारे मुंह से बलगम निकलता है खांसी के समय, तो उससे भी गंदगी निकल जाती है। लेकिन ये जो सल्फर है ये कभी भी बाहर नहीं निकलता, ये चीनी खाते खाते अंदर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है और फिर खून में जमा हो जाता है। और खून में जब सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है तो खून में गाढ़ापन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अगर खून में, तो इसके कारण 103 बीमारियां आती है, 103। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में तो हाई ब्लड प्रेशर आता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में तो शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, घुटनों का दर्द हो जाता है, गठिया, संधिवात। हमारे चिकित्सा विज्ञान में सबसे बड़ा शैतान अगर किसी को बताया है तो वो कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब हम चीनी खाते हैं, ये सबसे ज्यादा चीनी से बढ़ता है। तो आप चीनी ना खाएं, नहीं तो आपकी डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगी। तो चीनी का परहेज करें, यही आपको एक काम करना है, दवा खानी है जो मैंने बता दिया, प्राणायाम करना है और चीनी नहीं खाएं, ना चाय में चीनी खाएं, ना दूध में, न दही में, न मट्ठे के साथ, न मिठाई में, कोई चीज में चीनी ना। फिर आप बोलोगे तो क्या खाए चीनी की जगह, चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हैं। ये जो गुड़ है ना वो चीनी से अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में चीनी से सस्ता है, तो आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ में सल्फर नहीं होता, गुड़ में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर को बहुत फायदा करते हैं, जैसे गुड़ में कैल्शियम बहुत होता है और कैल्शियम से शरीर की हड्डियां बनती हैं, गुड़ में फास्फोरस होता है, फास्फोरस से हड्डियां मजबूत होती हैं, गुड़ में मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, इससे दिमाग काम करता है, गुड़ में सोडियम बहुत होता है, गुड़ में ऐसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को काम आते हैं। तो आप चीनी छोड़ दें, गुड़ खाएं। और मेरा तो सभी भाइयों से कहना है, बहनों से भी, कि जिनको शुगर की बीमारी है वो तो चीनी ना खाएं और जिनको बीमारी नहीं है वो भी ना खाएं, तो ये बीमारी होगी नहीं। शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी अगर है तब तो आप चीनी नहीं खाएं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो भी मेरा कहना है चीनी ना खाएं। स्वस्थ व्यक्ति चीनी की जगह गुड़ खाएं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीनी अगर आप खाते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये बीमारी आ ही जाएगी। दुनिया में जिसने भी चीनी खाई है, हम सारी दुनिया के उदाहरण देख सकते हैं, वो इन बीमारियों के शिकार जरूर हो जाए। तो आप ना खाएं चीनी तो अच्छा। मैं आपको और एक रहस्य की बात बताऊं कि ये चीनी भारत में तब से लोगों ने खाई जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पहले कोई चीनी नहीं खाता था इस देश में। अंग्रेजों ने सबसे पहले चीनी मिल लगाई इस देश में सन 1868 में, और तब से भारत में चीनी बनना शुरू हुई।
और हमने खा लिया इसको है? अब समस्या तभी से आर्डर में हूँ रामदेव बाबा आया उस गार्डन में। भारत में चीनी का मैंने बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि जब तक हम चीनी नहीं खाते थे तब तक इस देश में किसी को डायबिटीज की बीमारी। अबे तो कैसे करूं, आर्डर निपटाऊं, कैमरा पकड़ाऊं? जब तक हमने चीनी नहीं खाई किसी को हाई ब्लड प्रेशर बाद में करूंगा। जब तक चीनी हमने नहीं खाई हमारे देश में किसी को कैंसर नहीं हुआ। जब से चीनी आई इस देश में तभी से बीमारियां किसी से ना खाना ही अच्छा। आपको मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, अमेरिका देश में, कनाडा में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन सभी देशों में अब लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया। वहां के लोग अब जो भी चीज खाते हैं ना वो शुगर फ्री होती है। शुगर फ्री माने जिसमें चीनी ना डाली गई हो, ऐसी चीज। अमेरिका में केक बनते हैं शुगर फ्री, अमेरिका में मिठाइयां बनती हैं शुगर फ्री, यूरोप के देशों में बहुत सारी चीजें हैं शुगर फ्री, वहां के लोग अब नहीं खा रहे। कारण जानते हैं? क्योंकि चीनी खा खा के वहां के लोग बहुत मोटे हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापे की बीमारी अमेरिका में, हर तीसरा आदमी वहां बहुत मोटा है। तो उस मोटापे को दूर करने के लिए अब अमेरिका के डॉक्टर्स लोगों ने एक अभियान चलाया है, शुगर फ्री कैंपेन। माने कोई भी चीज खाओ जिसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। तो अमेरिका यूरोप के लोग चीनी बंद कर रहे हैं। आप वो चीनी क्यों खा रहे हो? आप भी बंद करो, अच्छी तो है। उसकी जगह गुड़ खाओ, गुड़, क्योंकि आपको गुड़ खाने में बहुत फायदा है। एक तो सस्ता है गुड़, दूसरा शरीर को बहुत काम आता है, और चीनी शरीर के लिए बहुत नुकसान करती है। आप पूछेंगे चीनी का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है वो सल्फर जो मैंने बताया खून को गंदा करता है। दूसरा चीनी हजम नहीं होती, आप खा लोगे लेकिन ये पचेगी नहीं। तो आप बोलोगे क्या होता है कि चीनी हजम नहीं होती इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। हम जो कुछ भी खाते हैं शरीर में जब वो हजम हो जाता है तो खून बन जाता है, लेकिन जो चीज हजम नहीं होती वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। तो चीनी खाएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और गुड़ खाएं तो खून बढ़ता है। खून से शरीर चलता है, और कोलेस्ट्रॉल शरीर का दुश्मन है, ये शरीर को चलने नहीं देता, मार डालता है। इसलिए आप सबसे मैं कहूंगा कि आप गुड़ खाना शुरू करें, चीनी बंद करें, और आप एक नियम बना लें अपने जीवन कि जब भी खाना खाएं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। आप बोलेंगे क्यों? आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं तो भोजन बहुत जल्दी हजम हो जाता है, बहुत जल्दी भोजन पच जाता है। आप खाना खाते हैं, कितना भी खाना खाएं उसको हजम होने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं। खाना खा लेते हैं हम, 6 घंटे में हजम होता है, पचता है, लेकिन अगर खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा ले तो वो 4 घंटे में ही हजम हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। तो आप खाया करो। और मेरा तो आपसे कहना है कि अगर चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, मिठाई खानी है गुड़ की बनाओ, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाओ, कोई भी मिठाई गुड़ की। तो 2 फायदे, पहला फायदा है कि पैसे बचेंगे क्योंकि गुड़ सस्ता है चीनी की तुलना में, और दूसरा फायदा है शरीर को ताकत मिलेगी, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि सारे भारतवासी अगर गुड़ खाएंगे तो आप जो गुड़ खरीदोगे वो सारा पैसा भारत के गरीब किसानों के पास जाएगा, क्योंकि गन्ना पैदा करते हैं किसान,
और गुड़ बनाते हैं किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा सीधे किसानों को मिलेगा, और अगर चीनी खा रहे हो तो चीनी का पैसा जो है वो भारत के सारे भ्रष्ट नेताओं के घर में जाए। आप जानते हैं सारी चीनी मिल हमारे देश में जो चल रही है वो सब बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल है महाराष्ट्र में, और सारी महाराष्ट्र की चीनी मिल एक एक से हरामखोर और बेईमान नेता के। कर्नाटक की सब चीनी मिल बेईमान नेताओं की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे देश की सभी चीनी मिल सब भ्रष्ट और बेईमान नेताओं की। अब हम चीनी खाते हैं तो हमारा पैसा भ्रष्ट और बेईमान नेताओं के घर जाता है, और वो नेता उससे और ज्यादा भ्रष्टाचार कर देते हैं, क्योंकि जिनको पैसे ज्यादा मिलेंगे वो और ज्यादा बेईमानी करेंगे। तो अगर भारत से बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी खत्म करनी तो मेरा निवेदन है चीनी बंद करो, तो ये बेईमान और भ्रष्ट नेताओं के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे और उनकी बेईमानी और उनका भ्रष्टाचार बंद होगा। और गुड़ खाओगे तो पैसा सीधे गरीब किसान के पास पहुंचेगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले हिसाब निकाला कि भारत के लोग एक साल में जितनी चीनी खाते हैं, कुल मिलाकर एक साल में हम जितनी चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाएं, चीनी छोड़ दें गुड़ खाएं, तो गुड़ जितने रुपए का हम खाने लगे चीनी के मूल्य के बराबर, तो हमारे भारत के 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते, क्योंकि भारत में गुड़ पैदा करने के काम में 15 करोड़ किसान हैं जो लगे। गन्ना पैदा करते हैं और गुड़ बनाते हैं, ये दोनों काम किसान करते हैं। तो हम गुड़ खाएं सारे भारतवासी और चीनी बंद करें, तो जितने रुपए की चीनी खाते हैं उतने का ही गुड़ खा लें, तो 15 करोड़ किसान हमेशा के लिए करोड़पति हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं। और आज भारत के किसानों को मदद करने की हमें जरूरत है, क्योंकि वो बहुत गरीब है और आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप गुड़ खाइए तो किसानों का भी भला होगा, आपके भी शरीर का भला होगा, और गुड़ से हर चीज बन जाती है, चाय भी बन जाती है, दूध तो खैर हम पी ही सकते हैं, दही मट्ठा सब गुड़ के साथ। तो आप याद रखें चीनी बंद करें, गुड़ खाएं। जिनको डायबिटीज है वो तो चीनी तुरंत बंद कर दें आज से ही, और जिनको नहीं है डायबिटीज तो भविष्य में ये बीमारी ना आए इसके लिए आप गुड़ खाते हैं। आगे चलें और एक बीमारी के बारे में बात करता हूँ। हमारे शरीर में एक खराब बीमारी है, उसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का ऊंचा दबाव। ये बहुत खतरनाक बीमारी, किसी की भी जान ले सकती है। इस बीमारी के कारण अक्सर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को ठीक होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे इसको ठीक कैसे करें, इसके लिए तीन तो प्राणायाम करना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा प्राणायाम कपालभाति, तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। भस्त्रिका करना 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे। तो तीन तो प्राणायाम करना हाई बीपी में। और इसकी जो दवा है आयुर्वेद की वो अपने घर में ही है, उसका उपयोग करना। उस दवा का नाम है दालचीनी। ये दालचीनी जो हम अपने घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये हाई बीपी की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें, दालचीनी को धूप में सुखा लो 2-4 दिन, और जब वो सूख जाए तो उसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लो। तो दालचीनी का पाउडर बन गया, इसको शहद मिला के
गर्म पानी के साथ खाओ। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद दोनों मिलाओ, गर्म पानी से सवेरे खाली पेट खाओ। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि शहद नहीं है घर में, तो खाली दालचीनी पाउडर गर्म पानी से खा लो। शहद थोड़ा महंगा है, गरीब आदमी नहीं खरीद पाते उसको, तो आप आधा चम्मच दालचीनी ले लो और गर्म पानी में मिला के पी लो, या पहले पाउडर खा लो पीछे से गर्म पानी पी लो। इससे भी हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी दाना ले लो और एक गिलास गर्म पानी में रात को इसको मिला दो। मेथी दाना आधा चम्मच उस पानी को पी लो और जो मेथी दाना है उसमें उसको चबा के खा लो, तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी दवा है ये हाई ब्लड प्रेशर। और ये जो मेथी दाना है ना, इससे डायबिटीज भी ठीक होती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी दवा है, दोनों बीमारियों को ये ठीक करता है। तीसरी एक दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है, आप सभी ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में तो हर जगह मिल जाता है। अर्जुन के पेड़ में छाल उतरती है। छाल तो आप समझते हैं पेड़ का जो तना होता है उसमें से सूखी लकड़ी निकलती है, उसको छाल कहते हैं। उसको धूप में सुखा ले, बाजार में भी ये मिल जाती है अर्जुन की छाल, 20 से 25 रुपए किलो मिलती है। तो अर्जुन की छाल धूप में सुखाएं, 2-3 दिन में सूख जाती है, फिर पत्थर में पीस के उसका पाउडर बनाएं और उसको आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाएं। आधा गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल। बहुत अच्छा होता है कि पानी में इसको डाल दें अर्जुन की छाल को और उसे गर्म कर लें, उबाल लें, जैसे चाय बनाते हैं वैसे अर्जुन की छाल की काढ़ा या चाय बनाकर उसे पिए, तो उससे हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये जो अर्जुन की छाल है ना, ये हृदय के बीमारियों को भी ठीक करती है। जैसे हमारे हृदय में कई बार ऐसी बीमारी आ जाए जिससे ब्लॉकेज बढ़ता हो, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, ब्लॉकेज हो गया है। अब ऑपरेशन आपकी जरूरत है, आप अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाते रहो, 3-4 महीने में हृदय का ब्लॉकेज भी निकल जाए। बहुत अच्छी दवा है अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है लौकी का रस पियो। लौकी है, हम जो खाते हैं सब्जी के रूप में, उसका रस निकालो और 1 कप लौकी का रस रोज सवेरे खाली पेट पीना, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। जब लौकी का रस निकाले ना, तो उसमें एक सावधानी रखनी है कि उसका जो छिलका है वो ना निकाले, छिलका नहीं हटा, इसकी सारी ताकत उसके छिलके में है। और अगर हमने छिलका हटा दिया तो लौकी बेकार है, इसलिए लौकी का रस निकाले, छिलका हटाई नहीं। अब रस निकाल लिया, उसको पीना 1 कप सवेरे खाली पेट नाश्ते से 1 घंटा। अगर आप लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता ये मिलाएं तो और अच्छा होगा। 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और 3-4 गोल मिर्च माने काली मिर्च, ये सब पीस लो, धनिया पुदीना तुलसी काली मिर्च पीस के और उसमें डाल दें, किसमें लौकी के रस में, और उसको पी
तब ये जो लौकी का रस है ये आपके हृदय की बीमारियों को भी पूरा ठीक कर देगा। सबसे अच्छी दवा है हृदय की बीमारियों। अगर आपको डॉक्टर कभी ऐसा बोले कि आपका दिल बहुत कमजोर है तो उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौकी का रस, कमजोर दिल वाले। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि हृदय में ब्लॉकेज है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है लौकी का रस। आगे चले और एक अच्छी दवा बताता हूं आपको हाई बीपी के लिए, वो दवा है बेल पत्र के पत्ते। हम जो बेल पत्र के पत्ते शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो बेल पत्र के पत्ते हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें इसका? 5 बेल पत्र के पत्ते ले लें, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाएं और उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करें और पानी को इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई बीपी की बीमारी है वो 2 महीने में ही ठीक हो जाती है इससे, बेलपत्र के पत्ते से। और ये बेलपत्र का पत्ता बहुत काम का है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये डायबिटीज को भी ठीक करता है, शुगर को भी ठीक कर देता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को ठीक करता है, यही बेलपत्र जो है कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। और ये जो बेलपत्र है ना, ये मोटापे की बीमारी को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वजन ज्यादा हो गया, मोटापा बढ़ भी कम कर, बीपी भी ठीक कर देता है, शुगर भी ठीक कर देता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाते हैं, कौन सी दवा है? पेट को भी ठीक कर। ये जो बेलपत्र है, एक तो तरीका मैंने बताया कि इसको पत्थर में पीस के पानी में गर्म करके पीना, और अगर आप चाहें तो सीधे चबा के भी खा सकते हैं। अगर दांत अच्छे हैं ना तो 5 पत्ते बेलपत्र के मुंह में चबाओ, चबा के पीछे से गर्म पानी पी रोज सुबह खाने के, बहुत बढ़िया काम आता है। मेरा आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, निवेदन है कि जब आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और ये बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते हैं तो उसको मंदिर में छोड़ना नहीं, बेलपत्र को शंकर जी को स्पर्श करा के उसे वापस ले आना, क्योंकि वो आपकी दवा है। हम क्या करते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, पुजारी उसको दूसरे दिन इकट्ठा करके कचरे की पेटी में फेंकते हैं। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि भारत में श्रावण का महीना जब आता है, सावन का महीना, तो उसमें जितने सोमवार आते हैं सभी सोमवार को भारतवासी हजारों मीट्रिक टन बेलपत्र चढ़ाते हैं, और वो सारा बेलपत्र जो है कूड़े के डिब्बे में चला जाता है। मैंने हिसाब जोड़ा था कि सावन के महीने में जितना बेलपत्र हम शंकर जी को चढ़ाकर कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं, अगर उतना बेलपत्र इकट्ठा कर लें तो 20 करोड़ भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं इससे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र उनको स्पर्श करिए और वापस ले आइए और खा लीजिए, ये शंकर जी का प्रसाद है। आप मंदिर में छोड़ते हैं ये शंकर जी के तो काम का है नहीं, क्योंकि ना शंकर जी को हाई बीपी है, ना लो बीपी है, और ना उनको कोई डायबिटीज है, ना उनको शुगर की बीमारी है, ना शंकर जी का पेट निकला हुआ है, ना उनका कोई मोटापा है, तो उनके किस काम का? उन्होंने तो आपके लिए दिया है, ये शंकर जी का प्रसाद है, इसको जो है ना बेकार मत करो, बहुत काम की चीज है। ठीक है, आगे चले और एक बढ़िया दवा बताता हूं आपको हाई बीपी के लिए।
कोई भी पिएगा उसका हाई बीपी ठीक हो जाएगा। और ये जो गोमूत्र है ना, ये कई बीमारी ठीक करता है। हाई बीपी तो ठीक होता ही है, गोमूत्र पीने से डायबिटीज भी ठीक होती है, शुगर की बीमारी ठीक होती है। गोमूत्र पियोगे तो ये घुटने का दर्द ठीक होता है, गठिया संधिवात। गोमूत्र पियो तो कमर का दर्द ठीक होता है, कंधे का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं, सिर का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो दमा अस्थमा ठीक होता है, छाती पर हो। गोमूत्र पियो तो ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है। एक अकेला गोमूत्र पीने से 48 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए गोमूत्र बहुत अच्छी दवा है, इसको आप जरूर पीना। आप इसको जब पिएंगे ना तो दो सावधानी रखना है इसमें। पहली सावधानी ये रखनी है कि गाय मूत्र जब पीने को लेंगे तो वो गाय देशी होनी चाहिए जिसका मूत्र पिए। हमारे भारत में दो तरह की गाय है, एक देशी और एक विदेशी। विदेशी गाय माने जर्सी गाय, होलिस्टियन फ्रीजियन, उसका मूत्र नहीं है। जो देशी गाय है उसी का लें। अब आप ये कहोगे पहचान कैसे करें, देशी गाय कौन सी विदेशी कौन सी। तो जो देशी गाय होती है ना उसकी पीठ पर ऐसे कंधा निकला रहता है। जिस गाय के पीठ पर ऐसे कंधा निकला हुआ है वो देशी गाय, और जिस गाय की पीठ ऐसे सपाट है वो विदेशी गाय। तो विदेशी गाय का मूत्र नहीं लेना। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जब गाय का मूत्र लेंगे तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर गाय गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं पीना, वो नुकसान करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुमारी गाय का मूत्र पियो, जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र पियो। बछड़ी बाछी कहते हैं, बछड़ी कहते हैं, उस गाय का मूत्र पी सकते। और ताजा पीना सवेरे खाली पेट आधा कप, ज्यादा नहीं। कितने दिन पी सकते हैं, 2-3 महीने। 2-3 महीने गोमूत्र पीने से हर बीमारी ठीक होती है, हर एक बीमारी। 48 बीमारी है, बहुत जल्दी ठीक होती है। तो आप इसका ध्यान रखिए। और ये गोमूत्र की कई दवाएं हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आंख की कोई बीमारी है, आंख से दिखाई कम देता है, मोतियाबिंद हो गया, काला पानी हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आंख में जो है ना रात को नहीं दिखता जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को दिन में नहीं दिखता जिसको डे ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को नजदीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, ये आंखों की सब बीमारी गोमूत्र से ठीक हो जाएगी। क्या करना, आंख में ताजा ताजा गोमूत्र एक एक बूंद डालना। वो एक ड्रॉपर आता है ना, ड्रॉपर जिससे हम दवा लेते हैं, वो ड्रॉपर में गोमूत्र भर के आंख में डालना एक एक बूंद। आंख का हर एक रोग इससे ठीक हो जाएगा। मैंने तो हजारों लोगों को ये गोमूत्र आंख में डलवाया और उनके चश्मे उतरवा दिए, इससे चश्मा उतर जाता है। कोई भी आंख में गोमूत्र डाले 4-6 महीने चश्मा आराम से उतर जाए। तो आप इस गोमूत्र को आंख में भी डाल सकते हैं। और यही गोमूत्र अगर कान में डाले, कान में, तो कान के रोग ठीक कर देता। जैसे किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं, किसी को कान में से मवाद निकलता है, गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, या कान में फोड़े फुंसी हो गए, तो आप एक एक बूंद गाय का मूत्र कान में डाल दो, सब कान की बीमारी ठीक हो जाए। अगर आपको कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आप इतना ही करना कि गाय का मूत्र एक बूंद कान में डालना, दर्द आपका 1 मिनट में ही ठीक हो जाए। 1 ही मिनट में कान का दर्द ठीक हो जाता है।
तो ये गोमूत्र पी भी सकते हैं, आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं। कुछ और दवा बताता हूं आपको। एक बीमारी है लो ब्लड प्रेशर, खून का दबाव जब कम हो जाता है, इसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं है लो ब्लड प्रेशर की, लेकिन अपने घर में इसकी बहुत दवाएं हैं आयुर्वेद की। लो ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा है गुड़। गुड़ खाओ, और गुड़ कैसे खाएं, पानी में घोल के, एक गिलास पानी 20-25 ग्राम गुड़ पानी में घोल दो, फिर उसमें नमक डालो, नमक, और फिर इसमें नींबू का रस निचोड़ो और इसको पियो। इससे लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होता है। और एक दूसरी बीमारी है लो बीपी के लिए, अंगूर का रस पियो नमक डाल के, एक कप अंगूर का रस और नमक डाल के पियो, इससे लो बीपी ठीक होता है। अनार का रस, ये भी लो बीपी को ठीक करता है, एक कप अनार का रस पियो नमक डाल के, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। संतरे का रस पियो, मौसम्बी का रस पियो नमक डाल के, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। खजूर खाओ, खजूर, इससे बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होता है। एक और अच्छी दवा है लो बीपी की, मिश्री खाओ मक्खन में मिला के, मक्खन मिश्री दोनों मिला के खाओ, इससे बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होता है। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, दूध में घी मिला के पियो, एक गिलास दूध और एक चम्मच घी, इससे लो बीपी बहुत जल्दी ठीक होता है। और लो बीपी की सबसे सस्ती दवा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो नहीं दवा खरीद सकता, तो उसको बोलना कि खाली नमक को पानी में मिला के ही पीता रहे, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। एक गिलास पानी और दो चुटकी नमक दिन में 2-3 बार पिए, सुबह दोपहर शाम, लो बीपी बहुत जल्दी ठीक होता है। नमक का ही पानी पिए। आगे चलें, कुछ और बीमारियों की बात करें। हमारे शरीर में छाती की बीमारी है, जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए एक दवा तो मैंने बताई गोमूत्र पियो आधा कप, इससे ठीक होगा। और दूसरी दवा है दालचीनी और शहद, ये मिला के गर्म पानी के साथ खाओ, आधा चम्मच दालचीनी आधा चम्मच शहद रोज गर्म पानी से। और कुछ दवा बताता हूँ, पेट, हमारा पेट खराब हो जाए, दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, तो क्या दवा है, सबसे अच्छी दवा है जीरा, चबा चबा के जीरा खाओ। पेट खराब हुआ, दस्त हो गए, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, आधा चम्मच जीरा ले लो, मुंह में डाल के चबा चबा के खाओ और पीछे से पी लो गर्म पानी, ये तुरंत दस्त बंद कर दे। और ये एक बार ही खाना, बार बार नहीं, उतने में ही ठीक हो जाता है। और एक अच्छी दवा है हमारे घर में, वो क्या है, ये जो कच्चा दूध होता है बिना गर्म किया हुआ, आधा कप कच्चा दूध ले लो, उसमें नींबू निचोड़ के जल्दी से पियो, क्योंकि दूध में नींबू डालने ना तो दूध फटेगा, फटने से पहले पीना, इसको अंदर जाके फटना चाहिए पेट, तो नींबू डालते ही तुरंत पी लो, ये सबसे जल्दी ठीक करता है दस्त। इतनी खराब स्थिति है अगर किसी की कि हर 5 मिनट में वो टॉयलेट जा रहा है, तो आप उसको कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के पिला दो, 10 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है। अब इसका कुछ उल्टी बात करें, पेट साफ नहीं होता अगर किसी का, कब्जियत रहती है पेट में, खुल के पाखाना नहीं होता, टट्टी खुल के नहीं आती, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी दवा है अजवाइन खाओ। ये जो अजवाइन है ना, आधा चम्मच अजवाइन गुड़ मिला के, एक चम्मच गुड़ आधा चम्मच अजवाइन दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से पानी पी लो गर्म पानी,
और ये हमेशा रात में खाना सोते समय, तो सवेरे उठते ही पेट साफ होता है। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, त्रिफला चूर्ण खाओ। त्रिफला, त्रिफला चूर्ण तो आप जानते हैं, हर बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला। एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से कोई भी खाएगा तो पेट तुरंत साफ होता है। रात को खाना चाहिए, सुबह पेट साफ हो। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, अनार का रस पियो एक कप रोज, पेट साफ होगा। अंगूर का रस पियो, उससे पेट साफ होगा। मुनक्का चबा चबा के खाओ। मुनक्का या किशमिश रात को पानी में डाल दो, सवेरे उसको चबा के खाओ, पीछे से वही पानी पियो, पेट बहुत साफ होता है। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ बिल्कुल फोकट की। जब आप खाना खाते हो ना, तो खाने को खूब चबाया करो, तो पेट हमेशा साफ रहेगा। जो लोग खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं, उनको कभी भी पेट की बीमारी नहीं आती। आप पूछोगे कितना चबाना चाहिए, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखो और 32 बार चबाओ। हमारे 32 दांत है ना, तो 32 बार चबाओ। धीरे धीरे जितना चबा के खाओगे, कभी भी पेट खराब नहीं होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है पेट अच्छा रखने के लिए। और दूसरा एक तरीका और है, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पिया करो, गटागट पानी मत पिया करो कभी भी। ये जो लोग गटागट पानी पीते हैं ना, सबको घुटनों का दर्द आता है, संधिवात होता है, गठिया होता है, पेट खराब होगा, कब्जियत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। ये गटागट पानी पीना अच्छा नहीं होता, पानी को घूट घूट पीना चाहिए। जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना चाहिए, दूध पीते हैं गर्म दूध ऐसे पानी पीना चाहिए। तो पानी को घूट घूट पियो और खाने को खूब तीनों को मिला लो पाउडर बना के, और इसको गर्म पानी से ले दो एक चम्मच रोज सुबह खाली पेट, तो गठिया का दर्द ठीक कर दे, 2-3 महीने में ही ठीक हो जाए। गठिया के दर्द की और एक अच्छी दवा है, अपने घर में या घर के आसपास कहीं मिल जाएगी, एक पेड़ होता है उसको हम कहते हैं हारसिंगा, और कुछ लोग उसको कहते हैं परिजात। ये जो परिजात और हारसिंगा का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं, सब जमीन पे पड़े मिलते हैं। ये है हारसिंगा का पेड़, इसके 5 पत्ते तो पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाओ, और एक गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पी लो। ये गठिया रोग की सबसे अच्छी, अगर किसी को 20 साल से गठिया रोग है, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, तो इसी से ठीक हो जाए और 2 महीने में ठीक हो जाए। बहुत अच्छी है। और एक दवा बताता हूँ गठिया रोग की, गठिया रोग की और एक अच्छी दवा है चूना। जो पान में चूना खाते हैं ना, ये काबुली से गठिया रोग सुबह है कि 9 बजे 9:30 बजे है, कैसे खाना हर बात काबुली से शाम को है कि बराबर चूना हर बात रात दही में मिला, आधा कप दही और गेहूं के दाने के बराबर चूना। दही ताजा होना चाहिए, खट्टा नहीं। और अगर दही नहीं खा सकते किसी कारण से, तो चूने को दाल में मिला के खाओ। एक कटोरी दाल और गेहूं के दाने के बराबर चूना। और ये चूना खाने का तरीका है, पानी में मिला के पी लो, एक गिलास पानी और गेहूं के दाने के बराबर चूना। तो चूना खाओ तो गठिया, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द,
जोड़ों का दर्द सब ठीक है। और ये जो चूना है ना, ये सप्तक बीमारियों में काम आता है। माने अकेला चूना सत्तर बीमारियां ठीक कर देता है। जैसे किसी को बहुत खतरनाक एक रोग होता है जॉन्डिस, पीलिया, हेपेटाइटिस, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। जिनको पीलिया हो जाता है उनको गन्ने के रस में चूना पिलाओ। एक गिलास गन्ने का रस ले लो गेहूं के दाने के ऊपर, और यही चूना बहुत अच्छी दवा है। हमारे किसी भी ऐसे भाई को जिसको वीर्य में शुक्राणु नहीं बनते, नपुंसकता की बीमारी अगर किसी को है, वीर्य में शुक्राणु नहीं बनते, ऐसे किसी भी भाई को कहो कि गन्ने के रस में चूना पी, एक गिलास गन्ने का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना। कितने दिन पीना है? कम से कम एक साल। और ये जो चूना है ना, ये बहुत अच्छी दवा है हर एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती। अगर हमारे घर में ऐसे बच्चे हैं जो छोटे हैं, लंबाई नहीं बढ़ रही है, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। कैसे खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में मिला कर खाएंगे। और ये चूना क्या करता है? ऐसे कुछ बच्चे अगर आपके घर में हैं जो मति मंद है, मानसिक रूप से कमजोर है, गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में मिला के खिलाओ, दो तीन साल खिलाओ, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। अगर आपको मुंह में ठंडा गर्म पानी की शिकायत है, कभी पानी बहुत ठंडा लगता है कभी गर्म लगता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा चूना है। चूना पानी में घोल के पियो, दही में मिला के खाओ, मुंह में ठंडा गर्म पानी नहीं लगेगा। और ये चूना बहुत अच्छी दवा है हर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके नाखून खराब है। जिनके नाखून खराब है उनकी दवा है चूना। और ये चूना बहुत अच्छी दवा है ऐसे सब नौजवानों के लिए जिनके मुहासे निकलते हैं, चेहरे में मुहासे निकलते हैं, कील निकलती है, उसकी सबसे अच्छी दवा है। माताओं को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में जब किसी माँ की उम्र 50 वर्ष पूरी हो जाए और उसका मासिक धर्म बंद हो जाए तो उसको चूना सबसे अच्छी दवा। जिन माताओं का मासिक धर्म बंद होता है उनको चूना खिलाना चाहिए, गेहूं के दाने के बराबर, दही में नहीं तो दाल में नहीं तो पानी। और ये चूना जो है ना हर उस माँ को देना चाहिए जिसको गर्भावस्था में बच्चा होने वाला है। जो माँ गर्भवती है वो सभी को चूना खिलाएगी, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की, और चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम। और गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में, एक कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दीजिए, लगातार 9 महीने तक दीजिए, तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो बहुत स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशियार होगा। जिस बच्चे की माँ ने चूना खाया है वो सब इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट। और चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चा को जल्दी गंभीर बीमारियों में नहीं फंसेगा, बीमारी नहीं आएगी जल्दी, जीवन भर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो हमारी सब माताओं को ये बात मालूम हो तो अच्छा है।
आप सबको ये पता कि जब भी किसी माँ को गर्भावस्था है, एक कप अनार का रस अभी साथे से करना चूना लगातार 9 महीने तक खाना। ये जो चूना है ना, ये कई और बीमारी ठीक करता है। जैसे आपको चमड़ी का रोग है, खाज, खुजली, दाद, सोराइसिस, एक बहुत खराब रोग होता है जिसको सफेद दाग कहते हैं। और अगर किसी को आंखों की रोशनी कम हो रही है तो उसको कहो चूना खाए, बहुत रोशनी अच्छी रहती है आंखों। ये जो चूना है ना, मैंने आपसे कई बार कहा 70 बीमारियों में काम आता है, बहुत अच्छी बात। मेरा एक सुझाव है आप सब लोगों को कि आप अपने घर में जो पीने का पानी होता है ना, पीने का पानी, उसमें रोज चूना मिला दो। जो भी पानी पिएगा सबको चूना मिलेगा। 10 लीटर के पानी की टंकी है या घड़ा है, उसमें गेहूं के 10 दाने के बराबर चूना मिला दो। क्या होगा, जो भी पानी पिएगा सबको मिलेगा कैल्शियम। 20 लीटर का पानी का अगर टंकी है तो गेहूं के 20 दाने के बराबर चूना मिला दो। ये चूने से क्या होता है, शरीर की हड्डी मजबूत रहती है, खून ज्यादा बनता है, मांस और खून का संतुलन बना रहता है। चूना खाने से रोशनी आंखों में अच्छी रहती है। आप जानते हैं वो ड्राई वाटर कुछ नहीं है, चूने का पानी है। अक्सर बच्चे होते हैं ना तो ड्राई वाटर दे देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो चूने का पानी है ड्राई वाटर। बस इतना ही है कि ड्राई वाटर के नाम पर महंगा बिकता है और चूने से पानी बना लो तो बिल्कुल सस्ता है। सबको चूना खाना चाहिए, बस एक ही व्यक्ति चूना नहीं खाए, सावधानी है इसमें एक ही के लिए। जिनको पेट में पथरी है वो चूना नहीं खा सकते, पथरी की बीमारी है तो चूना ना खाए। और पथरी दो जगह होती है पेट में, एक तो होती है पित्त की थैली में, ग्वाल ब्लैडर में, और दूसरी होती है मूत्रपिंड में, या कभी कभी हो जाती है किडनी में, गुर्दों में। तो पथरी की बीमारी में चूना नहीं खा सकते। फिर आप बोलेंगे पथरी की बीमारी कैसे ठीक करेंगे। पथरी की बीमारी घर में ठीक करनी है तो इसका सबसे अच्छा इलाज है सेब का रस पीओ। सेब है ना, सेब एप्पल, इसका रस पीओ और सेब का छिलका मत उतारो, छिलका रखते हुए उसका रस निकालो और एक कप रस रोज सुबह खाली पेट पियो। 4-6 महीने किसी ने भी सेब का रस पिया तो उसके पित्त की थैली की पथरी पूरी ठीक हो जाएगी। और अगर गुर्दे में पथरी है, गॉल ब्लैडर में, किडनी में, तो उसकी दवा है गोमूत्र के। आधा कप गोमूत्र रोज पी लो सुबह सुबह, 3-4 महीने में पथरी टूट के निकल जाए। और कुछ दवाएं बताता हूं, जैसे सिर की कुछ बीमारियां, माथा दर्द है, सिर में चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। कैसे उपयोग करना, गाय का घी गर्म करो हल्का, और गर्म करके उसको एक एक बूंद नाक में डाल के सो जाओ। रात को सोते समय गाय का घी हल्का गर्म करके एक एक बूंद दोनों नाक में डाल के सो, इससे सिर दर्द बिल्कुल ठीक होता है। और गाय का घी नाक में जब डाले ना तो नाक से खून निकलने की बीमारी तुरंत ठीक होती है। कई बार आपने देखा है ना, कई लोगों के नाक से खून निकलता है, उस बीमारी की सबसे अच्छी दवा गाय का। और एक बीमारी में काम आता है गाय का घी,
ऐसे लोग जिनको बार बार सर्दी और जुकाम होता है, उनको कहो गाय का घी नाक में डाल के सोए, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक होता है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको नाक में हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, उसकी दवा गाय का घी हल्का गर्म करके एक एक फूल नाक में डाल के सोए। कई बार ऐसे लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, जिनकी नाक बचती है और बहुत आवाज आती है, उनको बोलो गाय का घी नाक में डाल के सो, बहुत अच्छी बात। एक बहुत खराब बीमारी होती है साइनस, साइनस की बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। और एक बीमारी है इसनोफीलिया, उसकी बहुत अच्छी दवा, नाक से छींक बहुत आती है, उसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का। और अगर किसी को लकवा मार जाए, पैरालिसिस हो, तो उसकी भी दवा है गाय का, बहुत अच्छी दवा है ये गाय। और एक अच्छी दवा बताता हूं, एक बहुत खराब बीमारी होती है साइनस, साइनस की बहुत अच्छी दवा है गाय का। और एक बीमारी है इसनोफीलिया, उसकी बहुत अच्छी दवा, नाक से छींक बहुत आती है, उसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का। और अगर किसी को लकवा मार जाए, पैरालिसिस हो, तो उसकी भी दवा है गाय का, बहुत अच्छी दवा है ये गाय। और एक अच्छी दवा बताता हूं, ये गेंदे का फूल है ना, ये बहुत अच्छी दवा है। शरीर में कहीं भी चोट लगे और खून निकले तो इस गेंदे के फूल को पीसकर चटनी बनाकर लगा, तुरंत खून निकलना पड़ता है। और अगर शरीर में कहीं घाव हो गया है चोट का, तो इस गेंदे के फूल को पीसो गोमूत्र में और चटनी लगा दो, घाव भर जाता है। और एक दवा बताता हूं, किडनी खराब हो जाए किसी की, किडनी फेल हो, तो क्या करें, 2 चम्मच नीम के पत्ते का रस सुबह पीना और 2 चम्मच पीपल के पत्ते का रस शाम को पीना। जब किडनी खराब हो तो इतना बताया, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। माइक दे दो, मैं चूने को ही खाना है। हेलो सर, नमस्कार। इतनी सब आपने जो मानव को ठीक करने की दवाइयां बताई, हालांकि जिसने लिखा रब में लिखा, जिसने सुना वो लिख नहीं पाया, हमारे सब नागरिकों के लिए लाभप्रद होगी, इतने ही की जितने की आज आप बता रहे हैं। अच्छा, नमस्कार। और ये पुस्तक पतंजलि चिकित्सालय में मिली थी।
आप कभी भी जाएंगे पतंजलि चिकित्सालय में और उनसे कहेंगे कि हमको जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक दे दो, वो दे देंगे। उसमें ये सब जानकारी है, मैंने बताया उससे भी ज्यादा। अगर जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना या दाल में या पानी में। गांठ दो तरह की होती है, गांठ दो तरह की होती है शरीर में। एक तो गांठ होती है जिसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं और दूसरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर माने जो कैंसर वाली गांठ है, तो उसके लिए गोमूत्र में हल्दी मिला के पिए, आधा कप गोमूत्र आधा चम्मच हल्दी, ये दोनों मिलाएं और गर्म करके पिए। ये मेरे चाचा के दो बच्चे हैं, उनके तो उन दोनों लड़कों के दोनों दोनों किडनी खराब हैं। दोनों जो हैं कभी डायलिसिस पर अल्टरनेट चल रहे हैं, हफ्ते में एक या दो बार डायलिसिस लेना पड़ता है। उनको इस तरह की कोई भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी वाली दवा देने की कोशिश करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाने के कारण इससे डायलिसिस लेना ही पड़ना पूरा लेना पड़ता है। नीम पत्ते का रस, पीपल पत्ते का रस दो दो चम्मच सुबह शाम पीजिए और प्राणायाम करें अनुलोम विलोम। एक बिना मैं आए हो श्रोता बंधुओं से अपने हाथ खड़ा कर दें, हम बात करेंगे। हरिओम, मेरा जॉइंट खराब है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए हो, क्या करना चाहिए आपको? जो है ना, मैंने हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा बताया, पांच पत्ते तोड़कर पत्थर में पीस कर पानी में इतना उबाले कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा कर। भूल जाते हैं ऐसी कोई विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई दवाई बताइए जिससे उनकी याददाश्त बहुत प्रबल हो जाए। याददाश्त अच्छी हो जाती है चूना खिलाते हैं, गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में डाल के रोज खिलाए। हमारी होती है ना, तो शीशम के पत्ते तोड़ो पांच, शीशम तो पहचानते हो, तो दो पत्ते सीधे चबा के खा लो शीशम रोज सुबह। 6 साल के बच्चे को सर मैं आपसे कहता हूँ कि सर फाइल्स आजकल बहुत महामारी के फैल रही है, इसका भी निदान बता दीजिए। फाइल्स की सबसे अच्छी दवा है मूली का रस, थोड़ी देर बाद पीना रोज। और सर मैं आपसे सिकल सेल के बारे में विस्तृत जानकारी देने की आग्रह। सिकल सेल की सबसे अच्छी दवा है अनार का रस 1 कप। सर ये ट्यूमर जो बोल रहे थे, ब्रेन ट्यूमर भी, ब्रेन ट्यूमर भी ठीक होगा? ब्रेन ट्यूमर के लिए आप जो है ना गाय मूत्र में सर्प गंधा मिला के पिला। मिर्गी के लिए ऐसी कोई दवा? मिर्गी की सबसे अच्छी दवा रात को गाय का घी नाक में डाल के सो। और किसी सज्जन को कुछ सवाल पूछना हो? मैंने बोला गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल। सर मेरी पत्नी का गांठ हो गया है,
उनको बोलो चूना खाए, काउंट कर जाएगी। जुड़ करके राष्ट्र सेवा के समर्पित मानी जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अभी राष्ट्र में सबसे बड़ी संक्रमण बीमारी भ्रष्टाचार का है, कृपया उसका उपचार होगा। इसका उत्तर दूंगा, इसके पहले कुछ और पूछना हो तो नमस्ते भैया। शराब पीने सर, पीने के बाद शराब पीने की कड़ी, जो शराब पीते हैं उनको बोलिए अदरक चूसे सुबह से शाम तक। बैटरी कम हो गया, और ये कार्य बैटरी भैया स्त्रियों को मान पर मिलना है तो स्त्रियों को मान पर कहीं लाभ हो तो इसके लिए मुझे उनकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति है तो उनकी रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। रास्ते खड़े हुए सचिन वर्मा से निवेदन है कि अपने वाहनों को किनारे करें ताकि आने जाने में कोई अवरोध मत हो। आप सभी से निवेदन है। हेलो, मेरे हाथ में काला काला पर इस बार नहीं है। आप ऐसा करिए, अपने घर में दवा बनाए, ग्लिसरीन, गुलाब जल, नींबू का रस। ये ग्लिसरीन बाजार में मिलती है, गुलाब जल बाजार में मिलता है, नींबू तो है, इन तीनों को मिला लीजिए बराबर मात्रा, और रात को सोते समय मालिश करके सोइए। लगातार आप 6-8 घंटे ये करेंगे, बाकी तो दूसरा अगर आप एक काम और करें तो और अच्छा होगा, गाय का घी दूध में मिला के पिए, हर दिन 1 चम्मच गाय का घी 1 गिलास दूध दोनों रात को सोते समय पी के सो और जल्दी ठीक हो। संजय बाम, क्या पथरी के रोगियों को बिल्कुल चुनाव जी प्रणाम, आपसे यही अनुरोध है कि मेरे एक दोस्त हैं जो हस्त महत्वपूर्ण करता है, उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हस्त मैथुन की बीमारी बच्चों को अक्सर लग जाती है, इसको रोकने के लिए उसको बोलो गन्ने के रस में चूना मिला के पीता है, 1 गिलास गन्ने का रस पानी उसमें थोड़ा गुड़ मिलाए, फिर 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के पी। इसकी बीमारी के लिए, गैस्ट्रिक की बीमारी के लिए सबसे अच्छी दवा है अजवाइन। अजवाइन को तवे में भून लें और उसको खाने के बाद चबा दें। गौमूत्र के बारे में जैसे बताया, फ्रेश गौमूत्र जो उपलब्ध ना हो तो जो गौमूत्र जो उपलब्ध हुआ हुआ है उसको प्रिजर्व कैसा किया? गौमूत्र को कांच की बोतल में आप रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता, बस उसको धूप में नहीं रखना, कभी भी खराब नहीं होता। साल भर सर्दी रहता है और सुबह छींक बहुत ज्यादा आते हैं, फिर भी उसको डॉक्टरी इलाज दिखाने पर एलर्जी बताया, इसके लिए गाय का घी हल्का गर्म, क्या ना हल्का गर्म करके वो गर्म गर्म ही डालना, ठंडा कर देंगे तो वो फिर अंदर नहीं जाएगा, नाक जलेबी नहीं हल्का गर्म करें। हेलो, श्वेत प्रदम के लिए बोल रहा है,
श्वेत प्रगर के लिए बहुत अच्छी दवा है अशोक के पेड़ का पत्ता। अशोक का पेड़ आपने देखा, सुबह खा लेते एक डेढ़ महीना अगर आप खिलाएंगे तो श्वेत प्रगर ठीक हो। सर हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है, आप रोज चूना खाइए थोड़ा सा, चूना पानी में अक्सर खत्म हो जाए। चूना जो है ना खाली पानी में लगा के खाइए तो बहुत लाभ करेगा। तंबाकू भी उसमें डालना पड़ता है? तंबाकू बिल्कुल नहीं, तंबाकू तो और जो है कथा नहीं, तंबाकू नहीं। चूने का पान आप खाएंगे तो कमर का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा बंधु का एक सवाल है, उनका सवाल है कि उनको खांसी के साथ बलगम आती है। इसकी बहुत अच्छी दवा है अपने घर में, अदरक का रस एक चम्मच, पान का रस एक चम्मच और शहद एक चम्मच, ये तीनों मिला के हल्का गर्म करके सवेरे पीना, खांसी भी ठीक होगी, बलगम आना भी बंद होगा। से दुकानों में जो बिकता है वो गोमूत्र अर्क है, और वो गोमूत्र अर्क ऐसा होता है गाय का मूत्र गर्म करके उसकी जो बाष्प होती है वो इकट्ठी करते हैं, फिर उसको ठंडा करके बोतल में भर के आपको बेचते हैं। तो ये जो गोमूत्र अर्क है ये गोमूत्र से अच्छा नहीं है, जो सबसे अच्छा है वो गोमूत्र ही है। लेकिन अगर आपको किसी कारण से गोमूत्र नहीं मिल पाता तो आप ये अर्क पी सकते हैं, लेकिन ये जो अर्क है ना ये आंख में नहीं डाल सकते, ये बस पी सकते हैं। और गोमूत्र है वो सीधे आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं, ये ले सकते हैं। और आधर पर गोमूत्र पायरिया कैसे हो? पायरिया के लिए नमक ले लो, हल्दी ले लो और सरसों का तेल, तीनों बराबर मात्रा में मिला के मसूरों पे हल्के हल्के मालिश कर दो और एक घंटे बाद फिर कुल्ला करो। चार महीने के बच्चे हैं लेकिन उसको थोड़ा से सर्दी लगता है तो अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाएगा, उसके लिए आप उस बच्चे को तो कुछ मत करो, उसकी माँ को कहो कि वो रोज चूना खाए। माँ बच्चा दूध पीता है माँ का जी, तो माँ को कहो कि वो चूना खाए दही में, तो फिर वो बच्चे को मिल जाएगा। भ्रांति को थोड़ा सा दूर करें। देखिए गोमूत्र जो गाय के शरीर में दो फिल्टर लगे हुए हैं उसको हम किडनी कहते हैं, तो वो दोनों फिल्टर से गुजर के ही वो मूत्र आता है। तो शरीर से जो मूत्र आता है वो सीधे भी आप पी सकते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में वहम रहता है तो उसको कपड़े से छान लीजिए, तो आप चाहे तो छान लीजिए और ना चाहे को तो सवाल पूछना हो बहनों में बहुत कम, तो बेझिझक अपना सवाल रख सकेंगे। बहनों में बहुत कम पूछे सवाल, बहनों में से और पीछे से गर्म पानी पी के सो जाए, सुबह उठते ही पेट साफ हो। कई बार पानी पी लेते हैं, योगा भी कर लेते हैं, उस पर भी होता है। तो ये अजवाइन और गुड़ खिलाओ, आधा चम्मच अजवाइन एक चम्मच गुड़ रात को खा के सो, गर्म पानी के साथ सुबह उठते ही पेट साफ हो। आपको तीसरों पहल बीत गए हो बाकी जो मेरे पेट संबंधी बीमारी है वो ठीक हो पा रहा है और रोज थोड़ी खाए
अश्वनी को सर्दी में झूम के एक शीशी में भर गया और मुझे की बात आदर जी को चंद्रवाणी के बाद कार्यक्रम को मिला के तो ये आदत आपकारिक हो गए तो फिर द्वारा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी चटनी लगा बहुत अच्छी दवा। दूसरी एक दवा है सड़ा हुआ केला, केला जब सड़ जाता है काला काला होता है उसको लगा, उससे भी सोरायसिस ठीक होता है। क्या है मेरी पत्नी को पाकिस्तान में गांठ हो गया है तो उसको कसना दूंगी क्या नाम है चमन, चमन नाम बढ़िया नाम सबसे बड़े हम ही लोग दिन तो दिए डायबिटीज पेशेंट को साल में खाए के नुकसान भी करेगा। ये जो शहद होता है बस माता ने नहीं पूछा, एक सवाल में इंतजार कर रहा था आप पूछते तो अच्छा, मैं खुद ही बता दे। जब माताओं को मासिक धर्म में दर्द बहुत होता है, सभी बहनों को बहुत दर्द होता है मासिक के समय में दो तीन दिन, उसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। आधा गिलास खौलता हुआ पानी और उसमें एक चम्मच गाय का घी मिला, ये माताएं सबको बताएं क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, दर्द इतना होता है कि बहुत सारी माताएं बहनें तड़पती रहती हैं और वो जल्दी किसी दवा से बंद नहीं होता, कर वो गाय के घी से ही बंद होता है। खौलता हुआ पानी आधा गिलास उसमें, और उनको हमेशा सर्दी और जुखाम हो जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो छेद उनको जन्म लेने के बाद हुआ है या जन्म से है ये मुझे बता दीजिए। उसका डायग्नोसिस अभी हुआ है? नहीं, वो डायग्नोसिस में डॉक्टर ने उनका है ये बात है, ये लिखा होगा उसने जरूर रिपोर्ट में लिखा होगा कि वो बाई बर्थ है और या बाद में हुआ। अगर वो बाद में हुआ है तो उसके लिए दवा बहुत आसान है जिसको मैं बताया, चूना खाएं दही में रोज, फिर उसके लिए घर में इलाज में अभी कैसे चालू करते उसके लिए कोई गंभीर इलाज करना चालू। अच्छा नीचे बटन दबाना है जूम आई से आई वांट टू फेस द फोटो। एक 3 वर्ष की बच्ची है उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ओ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को आप मेरे वहाँ हरिद्वार भेज दीजिए, वो घर में ठीक नहीं हो कई साल लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगी तो उसको आप वहाँ हरिद्वार भेजिए तो अच्छा। धन्यवाद। अब भैया अगर हर एक घंटे में पेशाब लगता है तो खून की जांच करा लो, कहीं शुगर तो नहीं, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है ना तो जल्दी जल्दी पेशाब आता है, और अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वही दवा खाओ जो मैंने बताई थी, मेथी दाना, तेज पत्ता, फिर जामुन की मुछली का पाउडर और फिर बेल पत्र को सुखा के बनाया हुआ पाउडर भी आता है तो ठीक। और तीसरी अच्छी दवा है गोमूत्र पी लो, वो ठीक हो जाए। सर प्रणाम, आपको मैंने टीवी के माध्यम से भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में सुना था ना, जो सोने की चिड़िया क्यों कहा जा रहा था उसके बारे में कम से कम 5 मिनट आप बोलिए। खेती कितने किसान करते हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से सभी लोग करते हैं। अगर आप खेती करते हैं तो उस विषय पर मैंने 3 घंटे का एक व्याख्यान दिया था थोड़े दिन पहले, उसको पूरा तो नहीं सुना सकता समय की कमी है, लेकिन उसमें जो जरूरी बात है वो बताना चाहता हूँ कि हम खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए और हमारी खेती की मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हम यूरिया डीएपी ना डालें। ये जो यूरिया डीएपी होता है ये खेत की मिट्टी को खराब करता है और धीरे धीरे मिट्टी इतनी खराब हो जाती है कि उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती,
भारत में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे 17 राज्यों में लाखों एकड़ खेत बर्बाद हो गए यूरिया के कारण, डीएपी के कारण। तो मैंने उस व्याख्यान में ये बोला था कि हम यूरिया डीएपी ना डालें और खेत में फिर क्या डालें, यूरिया डीएपी तो ना डालें, उसके स्थान पर एक खाद बनाकर आप अपने खेत में डालें। तो वो खाद बनाने का मैंने फॉर्मूला ही बताया था, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, 15 किलो गोबर गाय का या तो बैल का या तो भैंस का और 15 लीटर मूत्र गाय का, बैल का या तो भैंस का, दोनों मिलाएं, एक प्लास्टिक के ड्रम में रखें और इसमें 1 किलो गुड़ मिलाएं, गुड़, और 1 किलो चने की दाल का आटा मिलाएं, बेसन, और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे से खोदी हुई मिट्टी मिलाएं। 15 किलो गोबर 15 लीटर मूत्र में रखें 15 दिन के लिए। 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। 15 दिन बाद इसमें 150 से 200 लीटर पानी मिलाएं और ये है तो पानी के साथ उसको मिला दें, पानी के साथ तो खेत में चला जाए, और इस तरह से हर 15 दिन में 1 दिन आपको ये खाद देना है। अब 3 महीने की फसल में 6 बार दे दो, 4 महीने की फसल में 8 बार दे दो, इस तरह से आप खाद लगाओ तो यूरिया डीएपी का खर्चा बचेगा और पैदावार बहुत अच्छी आएगी। गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सभी तरह की फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों की फसल में भी ये काम आती है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब टीवी पर व्याख्यान दिया। और एक दूसरा है कि अगर कीड़े लग जाएं आपकी फसल पर तो कीड़े मारने की दवा आप अपने घर में ही बनाओ। वो कैसे बनेगी, 20 लीटर मूत्र ले लो गाय का, बैल का, भैंस का, और इसमें 2-2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो और 2-2.5 पत्र के पत्ते पीस के डाल दो, 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते पीस के डाल दो, 1/2 किलो तंबाकू पीस के डाल दो, 1/2 किलो लहसुन पीस के डाल दो, 1/2 किलो तीखी मिर्च पीस के डाल दो, ये सब पीस के 20 लीटर मूत्र में गर्म करो और इतना गर्म करो कि खूब उसमें उबाल आ जाए, ठंडा कर लो, फिर जितने पत्ते डाले थे उनको अच्छे से निचोड़ दो, तो ये दवा तैयार हो गई। अब इसमें 200 लीटर पानी मिलाकर इस दवा को छिड़क दो तो सब कीड़े 2 दिन के अंदर खत्म हो गए। हर एक फसल पे आप इसे डाल सकते हैं। तो खाद बनाने का और कीटनाशक बनाने का, ये दोनों काम हर किसान घर में ही करें तो देश का कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं। ये बात मैंने बताई थी टेलीविजन चैनल। वैसे इसमें और भी बहुत सारी बात है लेकिन मुख्य बात ये तो है। अब आगे चले, एक आखिरी प्रश्न है आपका, भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार बहुत है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे भारत देश के भ्रष्टाचार के बारे में सारी दुनिया के देश ये कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है। दुनिया में इस समय 200 देश है, 200, उनमें सबसे भ्रष्ट देशों में भारत 3rd नंबर पर। सबसे पहला नंबर का भ्रष्ट देश है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा 2rd नंबर का भ्रष्ट देश है बांग्लादेश, और 3rd नंबर का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है भारत। और अगर ध्यान से देखोगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही परिवार है। ये तो 1947 में कुछ नेताओं की मूर्खता से बंटवारा हो गया, वरना तो ये एक ही। तो हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार,
और भ्रष्टाचार में इतना भारत का धन बर्बाद होता है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं। हमारे यहाँ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो ये कहा करते थे कि जब किसी गरीब आदमी के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार में रिश्वतखोरी में डूब जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी एक बहुत बड़ी सरकार की संस्था है, उस संस्था का नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि राजीव गांधी के जमाने में तो 1 रुपए से 15 पैसा पहुंचता था गरीबों तक, अब तो 1 रुपए में से 10 पैसा भी नहीं पहुंच पाता, 90 पैसा लूट लिया है। और ये लूटते कौन है, हम उस देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाले कैसे हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश का एक नेता है जिसका नाम A. Raja, जो पहले संचार मंत्री था, उसने 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 1,76,000 करोड़, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको हम कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाए। और जिस मंत्री ने ये घोटाला किया वो 3.5 साल से ये घोटाला कर रहा था और सरकार ने उसको हटाया, प्रधानमंत्री ने हटाया। ऐसा ही एक बड़ा घोटाला हुआ थोड़े दिन पहले, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, उसमें 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला, खेल कूद हुए 77,000 करोड़ रुपए की लूटमार हो गई। थोड़े दिन पहले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हो जाए, ऐसे रोज होते हैं घोटाले। आजादी जब से मिली 340 लाख करोड़, आप बोलोगे ये पैसा कहाँ चला गया, ये सारा पैसा भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने विदेशी बैंकों में ले जाके जमा कर दिया। दुनिया में एक छोटा सा देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, उस टाइम जैसे 70 और भी छोटे छोटे देश है, वहां पर करीब 7 लाख करोड़ रुपए जमा, तो कुल मिलाकर 340 लाख करोड़ हमारा धन नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया। और ये धन आपका है, आपने जो पैसा टैक्स में दिया था सरकार को, नेताओं ने उसी में से ये घोटाला किया। तो अब क्या किया जाए, तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि भारत के नेताओं ने ये जो 340 लाख करोड़ रुपए लूटा है जाएगा, इसको वापस लाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया है भारत सरकार के खिलाफ। और उस मुकदमे में हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि जितना पैसा नेताओं ने लूट कर विदेशों में जमा कर लिया है, इस पूरे पैसे को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए और इस पैसे को वापस लाया जाए। अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस मुकदमे को स्वीकार कर लिया और इस मुकदमे में जो बहस कर रहे हैं हमारे बहुत मशहूर वकील हैं, उनका नाम है श्री राम जेठमलानी, वो बहस कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में सरकार को ये कहा है कि जल्दी से भारत सरकार पता लगाए किसका कितना पैसा कहाँ जाना। तो सरकार ने इस काम के लिए 70 देशों में अपने अधिकारी भेजे हैं और उन अधिकारियों की मदद से जांच हो रही है और थोड़े दिन में ये जांच पूरी होगी, तब सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपील करेंगे कि इस पूरे धन को भारत 340 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाए। हमारा और एक संकल्प है कि अगर किसी कारण ये सुप्रीम कोर्ट में बात ना बने
तो भारत की संसद में फिर ये मामला उठाया जाए और भारत की संसद में इसके लिए और प्रस्ताव पास कराया जाए जो इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति बनाए। उस प्रस्ताव को दो या तीन सांसद संसद में प्रस्तुत कर दें, बाकी सब सांसद उस पर बहस करें, तो बहस के समय हम ये देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो सांसद इसका विरोध करेंगे पक्की बात है कि बेईमान वही हैं, पैसे उन्हीं के हैं, खाते उन्हीं के। तो भारत को पता चलेगा बेईमान सांसद कौन कौन है। अब संसद में दो ही बात होगी, अगर बेईमान सांसद ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा और ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव अगर पास हुआ तो कानून बनेगा तो ये सारे पैसे वापस आ जाएंगे 340 लाख। और अगर प्रस्ताव संसद में गिर गया तो क्या करेंगे हम? तो हमने एक संकल्प लिया है कि सन 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उस चुनाव में सारे देश में से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिता कर लाएंगे और फिर दोबारा ये प्रस्ताव पास करेंगे। आप पूछोगे क्या हमारे 400 सांसद जीत के आएंगे? हाँ, आराम से जीत के आएंगे, क्योंकि इस काम को करने के लिए एक सन्यासी ने संकल्प लिया है और सन्यासी का संकल्प अधूरा नहीं रहता। और अच्छी बात यह है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने जो ये संकल्प लिया है इसको पूरा करने के लिए 70 और भी बड़े बड़े संतों ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय जयेंद्र सरस्वती, एक हैं बहुत बड़े संत परम पूजनीय मुरारी बापू, फिर एक हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज। ऐसे 70 संतों ने संकल्प लिया है कि 2014 के चुनाव में वो एक एक लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगे और 400 सांसदों को जिता के लाएंगे। मैंने एक दिन इन सभी संतों के भक्तों की संख्या कितनी है उसको जोड़ा तो पूरे भारत में इन संतों के जो कुल भक्त हैं वो इकट्ठे होकर अगर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत के आते हैं। तो ये हो जाएगा, सांसद तो जीत जाएंगे, फिर कानून बन जाएगा, कानून बनेगा तो 340 लाख करोड़ वापस आ जाएंगे, फिर इस पैसे को भारत में गांव-गांव विकास के लिए खर्च करेंगे। तो हमने योजना बनाई है कि हर गांव में इसमें 100 उद्योग लगाएंगे, एक एक गांव में 100-100 उद्योग, और फिर हर गांव में पक्की सड़क बनाएंगे, हर गांव में स्कूल कॉलेज खोलेंगे, हर गांव में हॉस्पिटल बनाएंगे, हर गांव के किसान को खेत के पानी की व्यवस्था को पूरी करेंगे, ऐसे सारे विकास के काम करेंगे गांव का। और इसमें मुश्किल से 30 लाख करोड़ खर्च होगा और हर गांव में जो उद्योग शुरू हो जाएंगे 100-100, इसमें भारत के 67 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और 67 करोड़ नौजवानों को काम खत्म करेंगे। हमारे देश में जो टैक्स लगाए हुए हैं 64 पहले थे, ये टैक्स सभी खत्म कर देंगे, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स खत्म कर, इससे महंगाई खत्म होगी। आप बोलोगे टैक्स खत्म करके फिर आमदनी कहाँ से आएगी देश की? हमारे पास ये जो 340 लाख करोड़ आएगा इसमें से 30 लाख करोड़ तो खर्च होगा विकास में और 310 लाख करोड़ तो बचेगा, वो बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दें तो उसका साल का ब्याज मिलेगा करीब 31 लाख करोड़, उसी से देश चलता है, टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टैक्स खत्म हो गए तो हर चीज सस्ती हो जाएगी, जैसे अभी पेट्रोल मिलता है 60 रुपए लीटर,
वो मिलेगा फिर 16 रुपए लीटर, डीजल मिलता है 40 रुपए लीटर, वो मिलेगा 7.5 रुपए लीटर, एलपीजी सिलेंडर 370 का मिलता है फिर वो 70 रुपए का रह जाएगा, रसोई गैस का जो सिलेंडर है ना खाली 70 में मिलेगा, 70 रुपए। अभी कैपेसिटी के लिए खरीदे 20 रुपए लीटर, फिर वो मिलेगा 3 रुपए लीटर। अभी नमक है 8 रुपए किलो, फिर वो मिलेगा 50 पैसे। ये सीमेंट आता है 250 रुपए, वो आएगा 72 रुपए। लोहा है 50 रुपए किलो, वो आएगा 12 रुपए किलो। अभी आप अपना घर बनाओ तो 10 लाख में बनता है, टैक्स खत्म होने के बाद ये घर 3 लाख में बनेगा। हमारे बच्चे आईआईटी में पढ़ाई करें इंजीनियरिंग का 5 लाख रुपए खर्च होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 70,000 में पढ़ाई कर पाए। अभी भी एमबीबीएस एमडी कराने में 40 लाख खर्च होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 4 लाख में हो जाए। सब चीजें सस्ती होगी, पढ़ाई सस्ती होगी, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, दवाएं सस्ती, इलाज सस्ता, हर चीज सस्ती, तो गरीब से गरीब आदमी आराम से अपना जीवन बिता है। फिर एक और काम करेंगे कि भारत का जो पुराने जमाने के कानूनों का सारा तंत्र बना हुआ है, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे पुराने कानून बदल देंगे, ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है, नए कानून बनाएंगे, और अदालतों के मुकदमों का फैसला 3 महीने में ही। अभी 30 साल तक चलते है, हम कहते हैं कि एक भी 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, ऐसे कानून बनाए। और फिर एक काम करेंगे कि भारत की बहुत सारी जमीन चीन नाम के देश के कब्जे में है, और भारत का एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, ये दोनों हमें वापस लेना है। भारत कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ स्थान है ये भी वापस लेना है, और हमारे पाकिस्तान हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के ये भी वापस लेना, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ में एक प्रस्ताव उसके लिए 70 वोट की जरूरत पड़ेगी, और वो 70 वोट हम दुनिया के देशों से दोस्त बना के आसानी से ले लेंगे, हमारी जमीन वापस लेंगे। फिर पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने जो प्रेम और मोहब्बत की भाषा समझ में आती है, और सारी दुनिया में अब ये बात सिद्ध हो गई है कि आतंकवाद पाकिस्तान से पैदा, तो दुनिया के देश भी तैयार है अब इसको खत्म करने के, तो भारत भी उसमें आगे बढ़ के काम करे। और अंत में एक काम करना है कि भारत का बहुत सारा धन अंग्रेजों ने जो लूट लिया था वो सभी वापस लाना है, भारत का कोहिनूर हीरा ये वापस लाना है जो अंग्रेजों के पास, भारत का सोने का सिंहासन वापस लाना है, भारत देश का बहुत अधिक सोना चांदी अंग्रेजों ने लूट लिया ये भी वापस लाना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा, अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मुकदमा करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उस मुकदमे में कुछ दस्तावेज होने चाहिए, वो हमने इकट्ठे कर लिए, और हम ये सिद्ध करेंगे कि अंग्रेजों ने क्या क्या लूटा है, और वो अगर हम सिद्ध कर पाए कि अंग्रेजों ने ये कुछ लूटा तो ये सब वापस आ जाए। एक अंग्रेज था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो भारत से पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गए, वो सारा सोना आज अगर हम वापस ले आए तो वो 450 लाख करोड़ रुपए का, और ये सोना जिस दिन वापस आएगा उसी दिन भारत सोने की चिड़िया में सोने का शेर बन जाए, और ये सोना वापस आते ही 2 क्रांति होगी। पहली क्रांति ये होगी कि भारत का रुपया जो अमेरिका के डॉलर से कमजोर है वो ज्यादा ताकतवर हो जाए, अभी $1 में 45 रुपए है, फिर $1 में $5 हो जाए,
फिर भारत का निर्यात जो अभी 8 लाख करोड़ का है वो 400 लाख करोड़ का हो जाए, और फिर भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे वापस लौट आएंगे, क्योंकि रुपया मजबूत है, डॉलर कमजोर है, तो वो वापस आएंगे। और भारतवासी अगर वापस आए अमेरिका से तो उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनका ज्ञान वो भी वापस आएगा। पहले ब्रेन ड्रेन हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ, और ये भारतवासी नई नई संस्थाएं बनाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें बनाएंगे, तो भारत तो अपने सबसे आगे निकलेगा। चीन और अमेरिका भी हमसे पीछे है, तो भारत दुनिया का जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा, सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से मुक्त होगा, ऐसा भारत हम बनाएंगे। और इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया। आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करिए, तो आप क्या मदद कर सकते हैं इस भारत स्वाभिमान आंदोलन में? आप जुड़ जाइए, इसके आप सदस्य बन जाइए। हर व्यक्ति 11 रुपए लेकर इसमें जुड़ सकता है और सदस्य बन सकता है। हमें भारत में 15 से 20 करोड़ सदस्य बनाने, तो आप भी इसमें जुड़ जाइए। और ये जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले में हमें 15 से 20 लाख सदस्य बनाए, तो आप सब एक एक मिलकर इसमें मदद करें। और हर व्यक्ति सदस्य बने और दूसरों को कहे, वो भी बने और वो दूसरों को कहे, इस तरह से हमारा ये काम चले। और इसी कार्य को करने के लिए जनवरी के महीने में परम पूजनीय स्वामी जी दुर्ग जिले में आ गए। 31 जनवरी को उनका कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप परम पूजनीय स्वामी जी के 31 जनवरी के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हों और उनके सामने संकल्प करें भारत स्वाभिमान का सबसे बड़े। तो यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि भारत का भ्रष्टाचार मिटाना है, इससे गरीबी बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा, और सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसंपन्न, समृद्धशाली देश बनेगा। ऐसा भारत बनाने का हम सबका जो अभियान है, इसमें आप भी शामिल हो और हमारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने यह अभियान शुरू किया है। परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ देवे करावे 30 जनवरी को आए, माफ करिएगा मैं 31 जनवरी को गया, 30 जनवरी को आए। तो आप सब उनके योग प्राणायाम के कार्यक्रम में शामिल रहें, ये मेरी अपील है आपसे। और इसी लड़ाई को जो शुरू किया है परम पूजनीय स्वामी जी ने, इसमें हम सब सहयोगी बने, सैनिक बने और इसको पूरा करें, यही भावना है। आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतनी देर ये सब सुना, और आप ये सब बातें दूसरों को कहेंगे तो और भी आपका भारी रहूंगा। हमारे जितने योग शिक्षक हैं सबको हमने नसीब रखी है, आप मेंबर बनना चाहें तो हमारे किसी भी योग शिक्षक को संपर्क करें, 11 रुपए में वो रसीद आपको काठमा को पूरा सफलता तक पहुँचा। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्रोता भाइयों, एक विनम्र अनुरोध आप सभी से, भारत स्वाभिमान एक आंदोलन है और इस आंदोलन को चलाने के लिए निशंदेह एक फर्क व्यवस्था होना। भारत स्वाभिमान से जुड़ने के लिए हमने एक आधार बनाया है, एक 11 रुपए की पत्रिका आप सभी के सामने सर्कुलेट होगा। हमारे यहाँ पर मंच पर बाई और रशीद कटरे और भारत स्वाभिमान के मंच से जुड़े और अपने साथियों को जोड़े, इसको द्विगुणित करें और भारत का उत्कर्ष करने में हमारा साथ दें। इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष महोदय श्री दिलहरण प्रसाद जी तिवारी को आमंत्रित करता हूँ। आप आभार व्यक्त करें। सभी हमारे आदरणीय अभी अभी
हमारे मेज पर सुभाष से उपस्थित आदरणीय हरिद्वार से पधारे आदरणीय से आगे दीक्षित का बहुमूल्य कार्यक्रम आपने सुना, जिनके भाग्य जो था उन्होंने सुना और जो नहीं सुन पाए वो हम आपसे जुड़ेंगे तो हमारे आपके द्वारा भी उनको जानकारी हो जाएगी। और उसी बात यहाँ पर 3 वर्षों से निरंतर होते आ रहा है, कभी भी कोई भी दिन वो कक्षा बंद नहीं हुई।